हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और आसानी से बन जाती है। ये मसालेदार बैंगन आलू पूरी के साथ और पराठे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। आलू बैंगन की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना होगा, चलिए देखते हैं। टेस्टी बैंगन आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बैंगन लिए हैं, 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया है। इसी के साथ मैंने 2 टमाटर की प्यूरी लिए, 1 मीडियम साइज की प्याज लिए, मैंने इसको इस तरह से चॉप कर लिया है, और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है। इसके बाद मैंने मसाले पाउडर में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ ली है, और 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है, और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है। तो चलिए बैंगन आलू बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है। अब हमें इसमें 1/3 कप ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल को हमें हल्का गर्म करना है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हमें इसमें आलू के पीसेस ऐड कर देने हैं। तो हम यहाँ पर आलू के सारे पीसेस ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से क्या होता है, बैंगन आलू का और भी ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हमने आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें बैंगन ऐड कर देने हैं और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो हमने यहाँ पर सारे बैंगन ऐड कर दिए हैं। अब हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। हमें इनको लाइट ब्राउन करना है, तो हम इनको इतना फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर बैंगन को 2 से 3 मिनट हो चुकी है, हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो हमें इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लेना है। इसके बाद इसी ऑयल में हमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाए तो हमें इसमें जीरा ऐड कर देना है। तो जीरे को हमें लाइट ब्राउन करना है 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, जीरा हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हमें इसमें प्याज ऐड कर देनी है। तो प्याज को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, प्याज भी लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो अब हमें इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है और इसको भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक कि लहसुन का कच्चापन नहीं निकल जाता और इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो इनको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें टमाटर की प्योरी ऐड कर देनी है। आप चाहे तो टमाटर को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, और टमाटर को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक कि इनका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसमें ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है। तो अब हमें इसमें मसाले पाउडर ऐड कर देने हैं और इन मसालों को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक मसालों का कच्चापन नहीं निकल जाता और इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। इसके बाद हमें इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर देना है, जिससे कि मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, जो मसाले का कच्चापन था वो भी निकल चुका है। इसके बाद हमें इसमें फ्राई किए हुए बैंगन आलू ऐड कर देने हैं। अगर आप बैंगन आलू की सब्जी बिना फ्राई किए हुए बनाते हैं तो ये अच्छी तो बन जाती है, इतनी टेस्टी नहीं बनती है जितनी टेस्टी फ्राई करने से बनती है। तो हमने यहाँ पर बैंगन आलू को इसमें ऐड कर दिया है और हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। हमें बैंगन आलू को कुक करना है, तो हमें इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देना है और इनको अच्छे से मिला लेना है। हमें इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, अगर हम ज्यादा पानी डाल देंगे तो हमारे बैंगन आलू पनीले से हो जाएंगे और ये टेस्टी नहीं बनेंगे। इसके बाद हम कुकर को कवर कर देंगे और इसमें 2 प्रेशर आने देंगे। जब इसमें 2 प्रेशर आ जाए तो हमें गैस को बंद कर देना है। तो ये देखिए, 2 प्रेशर आने के बाद हमने इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दिया। अब हमें इसको खोल लेना है। तो ये देखिए, हमारी बैंगन आलू की सब्जी बहुत ही ज्यादा जायकेदार और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। आप इसको इस तरीके से जरूर बनाना। अब हमें इसमें हरी मिर्च ऐड कर देनी है। आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, और हमें इसमें थोड़ा हरा धनिया ऐड कर देना है। तो हमारी बैंगन आलू की सब्जी एकदम बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, हमारी बैंगन आलू की सब्जी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनी है। आप इसको पूरी के साथ या पराठे के साथ खाएंगे ना, ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने फीडबैक जरूर देना। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।